हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक टॉपिक लाया हूँ ब्लास्ट फर्नेस की, वो है बीएफ टॉप गैस वेलोसिटी। आज हम ब्लास्ट फर्नेस टॉप गैस वेलोसिटी बारे में डिस्कशन करेंगे और मैं उसको एक फार्मूला बनाया हूँ। जैसे पहले एक वेलोसिटी बनाया था ब्लास्ट वेलोसिटी का, तो इस टाइप का और एक टॉप गैस की वेलोसिटी होती है ब्लास्ट फर्नेस में। आज आप उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और मैंने वही फार्मूला पुट करके आपको टॉप गैस वेलोसिटी कितना निकलता है मैं आपको आज करके दिखाऊंगा। और मेनली ब्लास्ट फर्नेस टॉप गैस का वेलोसिटी निकलने से पहले जो मेन मेन पैरामीटर है मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है। जैसे ब्लास्ट वॉल्यूम जो है वो है 90,000 मैंने पकड़ा हूँ। आप आपके हिसाब से जितना भी ब्लास्ट दे रहे हैं वो हिसाब से आप ले सकते हैं। और नाइट्रोजन ब्लास्ट वॉल्यूम में जो भी एटमोसफेयर में जो भी नाइट्रोजन रहता है वो नाइट्रोजन ब्लास्ट वॉल्यूम में भी रहता है, तो उसका जो है 79%, रिमेनिंग जो है ऑक्सीजन रहता है। और टॉप गैस वॉल्यूम, जो टॉप गैस वॉल्यूम आज भी हम आज को उसके बारे में बताऊंगा टॉप गैस वॉल्यूम कैसे निकालते हैं ब्लास्ट वॉल्यूम से लेके, तो मेनली वो है 1,26,900। ये है टॉप गैस वॉल्यूम। तो ये जो निकलता है अच्छा, जितना भी हम ब्लास्ट पुट कर रहे हैं उसे ज़्यादा 1.4 times जो है वो ज़्यादा गैस निकलता है। तो उसमें आप नाइट्रोजन बैलेंस करेंगे तो आप निकाल सकते हैं। जैसे आपका एटमोसफेयर का जो नाइट्रोजन है वो है 79% और आपका टॉप गैस गैस में जो भी नाइट्रोजन आता है CO CO2 हाइड्रोजन माइनस करने का जो भी नाइट्रोजन आता है 56 58 ये रेंज में आता है, तो उसको आप डिवाइड करेंगे जो भी आएगा इनटू ब्लास्ट वॉल्यूम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका टॉप गैस वॉल्यूम निकल जाएगा। तो मैंने वो हिसाब से निकाल के इतना निकाला हूँ। और एटमोसफेयर जो रहता है 1 और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो है वो है 273 और टॉप गैस टेम्परेचर जो है मैंने एवरेज में लिया हूँ। आप लोग को तो जितना भी ऑप्टर रहेगा इसका 2 का 4 रहता है, तो उस हिसाब से एवरेज निकल के मैंने 150 degrees लिया हूँ। और नाइट्रोजन टॉप गैस में वो जो बोला 56% रहता है वो है। चलिए शुरू करते हैं, ये जो फॉर्मूला बना हूँ कितना निकालता है, ये पैरामीटर हिसाब से कितना वेलोसिटी निकालता है टॉप गैस का। ये है फॉर्मूला, मैंने सेम मेथड से बनाया हूँ। आपने मेरा पिछले वीडियो देखे नहीं होंगे तो देख लीजिएगा वेलोसिटी कैसे निकाला हूँ, तो उस हिसाब से। मगर उसका डिफरेंस पैरामीटर था, ये थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है क्योंकि इसका ट्योर में निकालते थे, अभी इसका टॉप में निकालेंगे थ्रोट लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेम टॉप गैस का वेलोसिटी है, टॉप गैस वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 3600 इंटू आपका जो भी टेम्परेचर रहता है टॉप गैस का, मैंने बोला था 150 degrees, तो आप वो हिसाब ले सकते हैं 150 degrees प्लस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो है 273 डिवाइडेड बाई 273 इंटू एटमोसफेयर से कितना है 1, उसके बाद 1 प्लस आपका जो भी टॉप पे सब रखते हैं आपका डिजाइन हिसाब से, बड़ा फर्नेस में टॉप पे सर हाई रहता है, छोटा फर्नेस में वो हिसाब से मेंटेन करते हैं। तो मैंने जो टॉप पे सर है 1.5 पकड़ रहा हूँ, 1.5 इंटू 4/πD² ये है आपका फॉर्मूला। टॉप गैस का जो वॉल्यूम है डिवाइड बाई 3600 इंटू आपका टॉप टेम्परेचर जो है 150 degrees है प्लस 273 डिवाइड बाई 273 और जो प्रेशर है एटमोसफेयर का 1 है डिवाइडेड बाई 1 प्लस आपका जो भी है टॉप प्रेशर रखते हैं 1.5 इंटू 4/πD² एक फॉर्मूला के हिसाब से हम पुट करेंगे वैल्यू जो वैल्यू मैंने लिया हूँ। टॉप गैस वॉल्यूम, टॉप गैस वॉल्यूम मैंने 1,26,900 लिया हूँ, 1,26,900 डिवाइडेड बाई 3600 इंटू 150 प्लस 273 डिग्री,
ये जो है 150, 150 प्लस 273 है 423 डिवाइडेड बाई 273 इंटू 1/1 प्लस 1/4 2.5 इंटू 4/पाई का वैल्यू जो है 3.14 इंटू ड्यू ड्यू जो है डी जो है वो आपका थ्रोट का जो भी डाया है, तो मैं थ्रोट का डाया जो है वो है मैं यह है 4.6 पकड़ा हूँ 4.6 ये है इसका स्क्वायर है इंटू 4.6 ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है तो मैंने नीचे लिख देता हूँ इंटू 4/पाई का बंद जो है 3.14 इंटू बी जो है 4.6 इंटू 4.6 मैंने वो हिसाब से वैल्यू पुट किया है तो इसको निकालिए 126900 126900 डिवाइडेड बाई 3600 इक्वल टू ये है 35.25 इंटू 423 डिवाइडेड बाय 273 ये रहा आपका 1.54 इंटू 1/2.5 ये है 0.4 इंटू इसका निकलिए 3.14 इंटू 4.6 इंटू 4.6 इक्वल टू ये है 66.44 4/66.44 डिवाइडेड बाई 66.44 ये है जो है 0.060 डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए 0.060 अभी निकालिए इसको 35.5 इंटू 1.4 इंटू 0.4 इंटू 0.06 यह है 1.30 मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड जो है उसका यूनिट है। तो मैंने बहुत छोटा सा फॉर्मूला और सिंपल वे में मैंने बनाया हूँ और आपको आपका पैरामीटर लेके करेंगे तो आप लोग इजी में समझ में आ जाएगा। थैंक यू।